हाँ दोस्त, देखो पूरा माल बनाने वाला है। एक कस्टमर आ रहा है, 20 लाख का डील करेगा, उसका लिए हम 60 लाख बना कर रखा है। उठा भी, उठा भी, उठा भी। मेरा ऑफिस आना पड़ेगा, आने से आपको कुछ पैसा आपका हाथ से बना कर लेके जाना है। अच्छा। जाकर बैंक में डिपॉजिट करना है, मार्केटिंग करना है, ऐसे ही चलने से ना। आप 1/3 हिसाब से हम लोग को दीजिए, मतलब आप 1 लाख देने से 3 लाख मिलेगा। अब देखो यार, ये चल क्या रहा है पूरी तरह तो मुझे भी नहीं पता। मेरे पे तो सिंपल एक मैसेज आया हाय, तो मैंने भाई नॉर्मली एक रिप्लाई कर दिया हाय, ठीक है। उसके बाद उसने बंदे ने पूछा आप कहाँ से हो, आपसे मेरे को बिजनेस की बातें करनी है। यार मैं भी थोड़ा शॉक टाइप में हो गया। मैंने कहा यार ना मैंने ये अप्लाई करा है ना कुछ करना है, अचानक से कैसे मतलब कहीं से भी बिजनेस का प्रपोजल आ गया, तो थोड़ा सा मेरे को अटपटा लगा। लेकिन उसके बाद भैया जो जो पत्ते खुले उसके बारे में तो मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ सही में यार। तो मैं यहाँ पे देखो, पहले कॉन्वर्सेशन देखो, मतलब सिंपल कॉन्वर्सेशन चल रही थी, उसके बाद जब उसने बोला कि भैया मैं आपको कुछ डिटेल्स दिखाता हूँ बिजनेस की, ठीक है। अभी तो आप यहाँ पे मैसेज देखो भैया, उसका मैसेज आया हाय, मैंने रिप्लाई करा हाय, ठीक है, वहां तक सब कुछ ठीक। अब उसका मैसेज आ जाता है, ठीक है, कि आई एम राहुल रॉय, असम गुवाहाटी से बोल रहा हूँ, आपके साथ बिजनेस के बारे में बात करनी है, आप कौन से स्टेशन से हैं बोलिए, ठीक है। मैं समझ नहीं पाया, फिर मैंने लिख दिया दिल्ली से, कैसा बिजनेस, आपका नंबर कहाँ से मिला, मेरा वो नॉर्मल रिएक्शन। भाई बंदा आप देखो क्या लगता है, ठीक है, IMPC इंडिया मनी पाठक कंपनी, मैंने पहले नाम सुना है, से आपका नंबर दिया है, बिजनेस के बारे में बात करनी है, डिटेल्स भेज रहा हूँ देख लीजिए। भाई इस टाइम पे मेरा रिएक्शन बहुत अजीब था, मैंने कहा क्या है बंदा खुद ही बोले जा रहा सब कुछ यार। तो मैंने भी मतलब ठीक है, मैंने कहा चलो यार भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मैंने सोचा बेचारा नहीं, मैंने कहा चलो भेज दो। मैंने कहा कुछ क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग काम हो, मे बी मेरे से रिलेटेड, क्योंकि देखो मेरे पास स्पॉन्सर्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने वही सोचा, लेकिन भैया अब देखो तुम। भाई सीरियसली यार, मैं तो देख के ही चौंक गया। अब मुझे ये सब चीज़ें फ्रॉड लग रही थी, मैं नकली नोट होंगे, लेकिन भाई जब मेरी इस पर थोड़ी देर में कॉल पे बात होगी ना भाई, वहाँ तो मतलब दिमाग ही खराब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो, उसने एक आधी वीडियो और भी भेजी। हाँ दोस्त, देखो वो पूरा माल बनाने वाला है, एक कस्टमर आ रहा है, 20 लाख का डील करेगा, उसका लिए हम 60 लाख बना कर रखा है। अब जिस भाई साहब के लिए भी इसने माल रख रखा है भैया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे जानने में, लेकिन भाई साहब अभी जब ये मेरे से कॉल पे बात करेगा भाई, कसम से मैं से ऐसे ऐसे सवालों के जवाब निकलवाने वाला हूँ कि सही यार, मुझे भी एक बार लग रहा था कि भाई गलत तो ही पूछ रहा है। लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पे देखो, उसने एक क्लिप मेरे को और भेजी जिसमें एक लड़की खड़ी है जो कि नोट्स वगैरह डाल रही है, उसका फेस सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब भाई साहब यहाँ पे थोड़ी सी मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बट अगर आपको पल्ले पड़ रहा है तो भाई जो आसाम से है, यासिन अगर तुम भी देख रहे हो वीडियो, तो तुम मुझे बताओ कन्वर्ट करके भैया कि यहाँ पे वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज, हो सके तो। और बाकी तुम अभी देखो यहाँ पे बस, পেপার পড়া তো পান্নাই দিই না আমি দেখাই দিয়ে
पानी आनी बो कलर चेक करी बो हाँ करी बो तो इनका चेक करी बो आलो इधर पानी तो हने कलर तो चेक करी भी ना इतना बोना पैसा तो ना इनका करी बो पानी दे जने के करी भी अब देखो मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया लेकिन हाँ भाई साहब अब थोड़ी देर में सब समझ में आने वाला है बिकॉज यहाँ पे अब इसने कहा कि आप कॉल कीजिए जब मैंने उसे पूछा कि मेरे लिए क्या काम है तो भाई साहब अब देखो अब इससे मेरी कॉल पे बात हो रही है हाँ जी भैया अब बोलिए हेलो 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 आवाज नहीं आ रही क्या आपको हाँ भैया आप कहाँ से बोल रहे हैं मैं भैया दिल्ली से बोल रहा हूँ किससे बोल रहे हैं हाँ जी बिजनेस डिटेल तो देखा है ना क्या चीज आप ये बिजनेस डिटेल तो देखा है ना आप ये बिजनेस कर सकेगा हाँ कर सकूंगा हाँ पहले मेरा ऑफिस आना पड़ेगा आने से आपको कुछ पैसा आपका हाथ से बना कर लेके जाना है अच्छा बैंक में डिपोजिट करना है मार्केटिंग करना है ऐसे ही चलने से ना आप 1/3 हिसाब से हम लोग को दीजिए मतलब आप 1 लाख देने से 3 लाख मिलेगा 5 लाख देने से 15 लाख मिलेगा एंड टू एंड मिलेगा भैया अच्छा तो आपका ऑफिस कहाँ पे है हम आसाम गुवाहाटी से बोल रहे हैं तो भैया पहले मतलब आपसे आके मिलना पड़ेगा कोई एडवांस वगैरह नहीं होगा ऑफिस आने से आपको हम कुछ पैसा आपका हाथ से बना कर देंगे आप जाकर बैंक में डिपोजिट करना है मार्केटिंग करना है अच्छा चलने से आप 1 लाख देने से 3 लाख मिलेगा 5 लाख देने से 15 लाख मिलेगा तो भैया आपको मेरा नंबर किसने दिया ये IMP इंडिया मानीपुर कंपनी से दिया है कुछ मतलब बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आरबीआई बैंक तो मालूम है ना हाँ हाँ वो बैंक से हम लोग का पेपर देते हैं IMPC कंपनी जो है ना वो कंपनी से हम लोग मिसिंग दिया है हर दिन में 10 करके नंबर देते है हर आदमी का बिजनेस के बारे में बात करने के लिए अच्छा तो भैया इसमें रिस्क तो बहुत है यार रिस्क नहीं है ये गवर्नमेंट के साथ हम लोग मिलजुल के चला रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के कोई टेंशन नहीं है लेकिन भैया फिर भी देखिए ना मतलब ये एक तो है तो मतलब नकली अमाउंट ना तो फिर गवर्नमेंट मतलब नकली नहीं है इससे तो आपको विश्वास होने के लिए आपको हम फ्री में आपका हाथ से बना कर लेके जाने के लिए देगा अच्छा ये आप नकली नहीं है ये मतलब हम लोग का जो केमिकल हम लोग का IMPC कंपनी से देते है ना हाँ वो 10 साल का मतलब 10 साल का मतलब 10 साल का जो हम लोग को मतलब केमिकल देते है ना 10 साल सिर्फ चलता है ये पैसा जो है ना मानी जो है ना 10 साल चलेगा जो माने आप हम लोग को देगा ना वो माने हम लोग लाइफ टाइम घर में रख सकेगा जो माने आप लोग को हम लोग बनाकर देंगे ना वो सिर्फ आप 10 साल तक जहाँ में इन में यूज कर सकेगा कोई दिक्कत नहीं होगा कोई टेंशन नहीं होगा अच्छा भैया तो बाद वो कला से हो जाएगा तो पक्का इसमें कोई रिस्क नहीं है ना मतलब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो आप मुझे स्टार्टिंग में कुछ देंगे एडवांस वगैरह की मतलब कोई नहीं देंगे आप सिर्फ आना है आकर हम लोग को मतलब ऑफिस में आकर भेजे आप जितना दूर का है आप कैसे सोचने से हम पहले आपका डेमो लेगा डेमो लेने के बाद चेक करेगा तो गुवाहाटी में चेक करने के बाद आप साथ साथ में आप ट्रैक लाइन कर जा सकते हैं अच्छा 5 लाख देने से 15 लाख मिलेगा 10 मतलब 10 नहीं देने से 13 लाख मिलेगा एंड टू एंड देगा इंडिया का हर कोना में आप यूज कर सकेगा नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब ये जैसे कि मैं गुवाहाटी आता हूँ ठीक है तो मतलब आप मुझे जैसे कि मैं वहाँ पे 1-2 दिन रुकूंगा और जो आप मुझे मतलब मुझे नोट देंगे तो वो मैं वहीं पे यूज करके देखूंगा पहले 1-2 दिन अगर सही लगा तो मतलब ऐसा हो सकता है हाँ हाँ तो भैया फिर तो ठीक है मतलब फिर तो ये काम है काम का मेरे को गुवाहाटी आने में लगभग अभी तो 2 दिन तो लग जाएंगे बिकॉज अभी थोड़ा क्या है अभी एग्जाम है मेरा तो आज मतलब फिर कल एग्जाम है तो परसों नहीं नरसों मैं निकल सकता हूँ यहाँ से नरसों में निकल सकते हैं हाँ जी आपका नाम क्या है मेरा नाम भानु प्रताप सिंह तोमर भानु प्रताप सिंह मेरा नाम राहुल रॉय आप सेव करके रख दीजिए मेरा नंबर हाँ नंबर मैंने आपका सेव कर लिया भैया सेव कर लिया हाँ जी हाँ जी तब तो आप भानु प्रताप है ना हाँ जी हाँ जी होगा तब तो हम सेव करके रख रहे हैं आप दोस्तों को टिकट करा के हमको मतलब व्हाट्सएप पर भेज दीजिए आपका डेमो जो है फ्री में देगा बनाकर वो हम डेमो को बुक करके रख देगा सर के साथ बात करके अच्छा ठीक है तो आप मतलब गुवाहाटी में कोई एड्रेस वगैरह तो होगा ना ऐसे कहाँ मैं आऊँ होटल होटल में आप भेज सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है होटल हाँ जो आप मतलब आप पहले आप डेमो देगा ना हाँ हाँ एक दो दिन बैठ के तो चेक करेगा डेमो जो है ना हाँ हाँ जी हाँ जी होटल में बैठ के आप डेमो को चेक कर सकते हैं अच्छा तो मतलब आप मेरे आप मैं यहाँ पे स्टे करूंगा वहाँ पे आप आ जाएंगे ना आपको हम आप गुवाहाटी आने के बाद हम आपको गुवाहाटी से हम रिसीव करेगा मेरा ऑफिस तक ऑफिस में जाके आपको बना कर देंगे अच्छा आपका हाथ से पेपर डालना है वो देखा है ना आप मशीन में कैसे हाँ मशीन तो मैंने देखी हाँ वो ऐसे आप पेपर डालना है पेपर डालने के बाद जो केमिकल से हम लोग मतलब मानी जो बनता है ना वो मानी तो आपको बना कर देंगे 20-20 फ्री में देंगे ना अच्छा
देने के बाद आप वो हमें होटल में बैठ के आप वो चेक करना है, फिर हमें आपका डिपोजिट करना है। मार्केटिंग हर कोना में मतलब आप गुवाहाटी में हर जगह में यूज करना है। कारण ये सही चलने से ना आप 5 लाख देने से 15 लाख मिलेगा, आप 10 लाख देने से 13 लाख मिलेगा, एंड टू एंड मिलेगा भैया। अच्छा मतलब 1 लाख पे मैं अगर आपको 1 लाख दूंगा तो आप मेरे को 3 लाख रुपीज देंगे। अच्छा तो भैया ये हम अकाउंट मतलब बैंक वगैरह में रख सकते हैं पैसे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बैंक में यूज कर सकते हैं आप, सिर्फ पहले मेरा ऑफिस पर आना है, आकर देखना है भैया। नहीं भैया असल में क्या होता है ना, कभी कभी क्या है मतलब लाइक डर रहता है कि अमाउंट तो नकली है ना, तो फिर वो ही चेक करना। अच्छा तो चलो फिर मतलब गवर्नमेंट के साथ तो मालूम है आपको ना। हाँ जी हाँ जी, ये हम लोग का पेपर जो आता है, पेपर तो जहाँ हम लोग नहीं मिलेगा ना, ये पेपर हम लोग आरबीआई बैंक से देते हैं। हम लोग शहर जो है ना, बड़ा शहर जो है ना, हाँ हाँ, पीसी कंपनी का है, आईएमपीसी कंपनी का है, मानी पटक का, हाँ हाँ, वो शहर हम लोग का मतलब वो बैंक का साथ लिंक है, आरबीआई बैंक का साथ लिंक है, वहाँ से पेपर लाते हैं। आरपीसी कंपनी जो है हम लोग का केमिकल और मिशिंग दिया है। अच्छा तो ऐसा है क्या मतलब? आप तो तुम दोस्तों में आइए, आकर हम मेरा साथ मिलजुल के जाइए, आप चेक कीजिए, आपका पेपर देगा, आप खुद चार के बना कर लेके जाइए, जाकर चेक कीजिए। वो हमें होटल में बैठ के साथ साथ करके जाने से आप डायरेक्ट 5 लाख करने से 15 लाख में एंड टू एंड मिलेगा। आप इंडिया का हर कोना में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जो मतलब 10 लाख का करने से ना, वो हमें भी आपका मतलब प्रॉफिट मिलेगा, 5 लाख का प्रॉफिट देगा हम लोग का कंपनी तरफ से। तो भैया अभी मैं मतलब कल एग्जाम दे के मैं परसों नरसों निकलूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा किस टाइम मैं निकलूंगा। नरसों में आप टिकट करा के हमको डायरेक्ट कॉल कीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप पर आप टिकट जो कर, टिकट जो है ना, हाँ हाँ, वो टिकट व्हाट्सएप पर भेज दीजिए ना। ओके ओके, बाद में आपका हम जिमू जो है ना, हाँ जी, आपको हम पहले जो देगा फ्री में, आप तो साथ साथ इन्वेस्ट करके जाएगा ना। हाँ हाँ, मैं साथ में ऑब्वियसली आऊंगा, तो वहाँ पे फिर इन्वेस्ट करने ही आऊंगा भैया, इतनी दूर आ रहा हूँ तो बोलना है, तो हम सरकार साथ बात करके आपका जो पेपर मालिक हम लोग का तो अलग होता है ना, ये आरबीआई बैंक का होता है तो ना, हाँ हाँ, वो मतलब तो पेपर मालिक के साथ भी बात करना पड़ता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। आप डायरेक्ट आकर मतलब चेक करने के बाद डायरेक्ट इन्वेस्ट करके जाएगा बोल के, हाँ हाँ, ऐसा मतलब बात करना पड़ता है सर के साथ। ओके ओके, तो भैया आपके मतलब और भी होंगे ना, मतलब जो डील आपके साथ कर रखी है उनने की मैं मतलब डील तो और है, हम आपको और मतलब दो तीन तो मतलब ऐसे कस्टमर का फोटो भेज रहे हैं, आप देख लीजिए ना। हाँ जी हाँ जी, नहीं थोड़ा क्या है ना यार, आप तो नर्सों में निकलेगा ना? हाँ नर्सों में निकलूंगा मैं 3 दिन बाद। तो शाम को हम लांच करने का बात आपको कॉल कर रहे हैं। हाँ ठीक, मैं सर के साथ भी बात करा दिया आपको। अच्छा ठीक है भैया, करा देना आप। हाँ ठीक है, तब तो रखती हूँ भैया। ठीक है भैया, हाँ थैंक यू भैया। हाँ होगा, ओके, हैव अ नाइस डे। भाई क्या चल रहा है, कसम से यार इतनी फ्रॉड गिरी भाई 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 भाई, कह रहा बैंक तक इन्वॉल्व है यार, क्या करे भाई इस दुनिया का। अब तो यार मुझे नहीं पता इनकी बातों में कितनी सच्चाई है कितनी बातें झूठी हैं, लेकिन भाई अब जिस हिसाब का कॉन्फिडेंस था बंदा, जिस हिसाब से मतलब गुवाहाटी बुला रहा है, कह रहा है नोट वोट आपको हम एडवांस में ही देंगे, आप यूज करके देखिए, काफी कुछ मतलब यार था यार, ठीक है। अब अगर ये चीजें वैलिड हैं मतलब एग्जिस्ट करती हैं, तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ही रिस्क वाली बात है यार, और बहुत कुछ खतरे में भी है। मतलब ऑब्वियसली यार हमारी मतलब एक अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट नोट अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यार गुवाहाटी पुलिस भाई यार ठीक है कुछ हेल्प कर सकती है यहाँ से, तो भाई करे, कुछ इसके अलावा एक्शन ले सकती है तो ले, बिकॉज यार यहाँ पे ये एक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको मेरे से कॉन्वर्सेशन करनी है, आपको चाहिए कि ये नंबर मतलब जो मैंने अभी हाइड कर रखा है आपको देखना है, तो भाई साहब मैं आपको नंबर ही प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मेरी तरफ से हेल्प बन पड़ेगी मैं करूँगा, ठीक है। और अभी मैं गुवाहाटी पुलिस से कॉन्टैक्ट करना चाहूँगा जरूर, अब जो ही असम गुवाहाटी में रहता है गाइस, हो सके तो ये वीडियो पुलिस तक अगर ले जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यार ये तो सीरियस मामला है, ठीक है, बहुत सीरियस मामला है। और पुलिस को अगर नंबर वगैरह चाहिए जो, क्योंकि मैंने अभी हाइड कर दिया था, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं नंबर रिवील नहीं करना चाहता था, ठीक है, तो मैं उन्हें नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। और भी कुछ है मेरी तरफ से हेल्प चाहिए होगी तो मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा भाई। गाइस ये चीज़ बहुत सीरियस है, अगर किसी तरह का ये फ्रॉड किसी के नंबर पे और भी आता है तो इसे भाई बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि ये चीज़ आगे आके बहुत रिस्की बन सकती है। चल तो गाइस अभी के लिए मैं चलता हूँ, और इन सब स्कैम से जो है सेफ रहें।